संघर्ष समिति के संयोजक सम्मानित शैलेंद्र दुबे जी, मंच पर विराजमान विभिन्न संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारीगण एवं इस प्रांगण में उपस्थित हमारी बहनें एवं क्रांतिकारी साथियों, मित्रों, थोड़ा हम लोग विलंब से आए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं इस चीज के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से ये सभा लगातार चल रही है और यहां से लेकर पीछे तक लगभग कुर्सियां खचाखच भरी हुई हैं और आप धैर्य पूर्वक सारी चीजों को सुन रहे हैं। इसके लिए भी इस मेरठ के एक एक क्रांतिकारी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विषय के बारे में हमसे पूर्व के वक्ताओं ने लगभग सारी बात बता दी, अभियंता संघ के महासचिव जी ने, वसीम जी ने और सारे लोगों ने पूरी बात बता दी। निश्चित तौर पर अगर आज वर्तमान स्थिति से में यदि हम देखें तो जहां भी हम लोग जा रहे हैं लगातार इधर दौरे कार्यक्रम, जन जागरण सभाएं प्रदेश भर में चल रही हैं और प्रदेश भर में जहां हम जा रहे हैं वहां पर बड़ी तादाद में बिजली कर्मी, अभियंता, जूनियर इंजीनियर और हमारे संविदा के कार्मिक लगातार इन बैठकों में आ रहे हैं। अभी मंच से ही एक हमारे पूर्व वक्ता ने धन्यवाद दिया कि इतनी बड़ी संख्या में और एक साथ सबके आने का कारण भी क्या है, उन्होंने बताया कि उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ गया और वर्तमान का शीर्ष प्रबंधन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उनको भी धन्यवाद है कि सारे लोगों को एक साथ आना पड़ा और सारे लोगों को एक साथ होकर के अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ा, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग आखिर हैं कौन? ये लोग वो लोग हैं जो बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। हमारे बीच में ट्रांसमिशन के साथी हैं, पर कल परसों में 18 तारीख को हम लोग हरदुआगंज में गए थे। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ की बैठक करते हुए हमारे जितेंद्र गुज्जर जी यहां बैठे हुए हैं अभियंता संघ के, और अलीगढ़ में इनकी तबीयत खराब हो गई। करीब 7 बजे हमारी सभा समाप्त हुई, इनको डिप चढ़वाना पड़ा, 4-5 इंजेक्शन लगवाना पड़ा और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम हरदुआगंज को छोड़ नहीं सकते, हम हरदुआगंज चलेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं इनका, इनके जज्बे को भी सलाम करता हूं कि ये हरदुआगंज पहुंचे। लेकिन उससे बड़ी बात एक और वहां पर घटित हुई जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहता हूं कि हरदुआगंज लगभग 8:30 बजे हम लोग पहुंचे और 8:30 बजे जब पहुंचे तो वहां का हमारा मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था।